तो जनरल साइंस का हम लोग पार्ट टू डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स उसके होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे और याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुराने एग्जाम्स में जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उसमें आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं सारे कॉम्पिटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन सोनार वी यूज़ तो सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है इसमें कौन सी वेव्स यूज़ करी जाती हैं तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करी जाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं याद रखिएगा जिनकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी थाउजेंड से ज़्यादा होती है तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी थाउजेंड से ज़्यादा होती है उनका अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी हर्ट से कम होती है उसको इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है तो सोनार के केस में आप लोग को याद रखना है कि इसमें कौन सी वेव यूज़ होती है कौन सी वेव इसमें यूज करी जाएगी अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करी जाती है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू द एपराइटस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड तो इंटेंसिटी साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो अपराइटस यूज होता है उसका नाम क्या है तो उसका नाम क्रोनोमीटर नहीं है एनीमे मीटर नहीं है ठीक है ऑडियो फोन भी नहीं है इसका जो सही आंसर है वो क्या है ऑडियो मीटर है तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फॉर लोकेटिंग सम ऑब्जेक्ट इन एन ओशन तो देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो डूब चुका है एक ओशन में तो उसको लोकेट करने के लिए जो डिवाइस यूज करी आएगी वो कौन सी होगी तो ऑडियो मीटर नहीं होगी गेलवेनोमीटर नहीं होगी सेक्सटेंड नहीं होगी इसमें कौन सी होगी सोनार होगी तो याद रखिएगा इसमें जो डी ऑप्शन है सोनार इज दी करेक्ट आंसर अच्छा गेल्विनोमीटर क्या करता है गेल्नोमीटर बारे में याद रखिएगा ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर में कहा गया सोनार इज मोस्टली यूज सोनार कौन यूज करते हैं तो एस्ट्रोनॉट डॉक्टर नेविगेटर्स इंजीनियर्स तो आपको पता है सोनार जो है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है उसको कौन यूज करता है तो नेविगेटर्स उसको यूज करते हैं फोर्थ पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनिमोमीटर अब एनिमोमीटर क्या मेजर करता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में ठीक है तो जो विंड का फोर्स होता है या विंड की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए एनिमोमीटर यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आएंगे क्वेश्चन रहा है है ऑफ विंड विंड इज मेजर्ड बाय तो तो जो की है, उसको किससे मेजर किया जाएगा तो उसके लिए जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एनिमोमीटर तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा तो फोर्स ऑफ विंड या विलोसिटी ऑफ विंड दोनों चीजें किससे मेजर करी जाती हैं ये एनिमोमीटर से ही मेजर करी जाती है नेक्स्ट पे आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में कहा गया है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड तो आपको बता रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच इसमें से नहीं है ठीक है तो पहला देखिए पहला कहा गया एनीमोमीटर जो है विंड स्पीड मेजर करता है सही है एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है भी सही है वोल्ट मीटर आदर का वोल्टेज मेजर करता है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है टैकोमीटर जो है वो प्रेशर डिफरेंस मेजर नहीं करता तो इसमें डी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला गया था नॉट करेक्टली मैच तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इसमें टैक्यो जो है वो प्रेशर डिफरेंस को मेजर नहीं करेगा जबकि पायरो जो है वो हाई टेम्परेचर को मेजर करेगा ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं पायरो इज़ यूज टू मेजर तो पायरो क्या मेजर करता है अभी हमने देखा पायरो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरो यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को देखेंगे नाइन क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेपरेचर तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करेंगे तो अभी हम लोग ने देखा था पायरो यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पायरो मीटर हो जाएगा तो पायरो विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन टेन पे आते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर टेन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर अब कौन से थर्मोमीटर को पायरोमीटर कहा जाता है ये पूछा गया है तो जो रेडिएशन थर्मोमीटर होते हैं उनको क्या कहा जाता है दे आर कॉल्ड पायरोमीटर्स नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन द थर्मोमोटर विच इज यूज टू मेजर टू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तो देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है अबाउट टू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये कौन सा टेम्परे कौन सा थर्मोमीटर ऐसा होगा जो ये टेम्परेचर मेजर कर सकता है तो ये जो थर्मोमीटर है दिस इज कॉल्ड टोटल रेडिएशन पायरोमीटर तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से हम लोग टू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं ट्वेल्थ में आते हैं पा रेलिनो मीटर पाए रेलिनो मीटर ठीक है तो हेलियोमीटर की बात करी जाए पायर की बात अगर करी जाए ये क्या मेजर करता है इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग तो ये क्या मेजर करेगा तो सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए पाई रहलिन्यो मीटर यूज़ किया जाता है ठीक है पाई रहलियो मीटर यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टीथ पे आते हैं थर्टीन में कहा गया व्हाट इज़ मेजर्ड बाय मैनोमीटर अब मैनोमीटर क्या मेजर करता है तो मैनो मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलेटेड है तो जो गैस का प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज़ किया जाता है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखेंगे विज ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड तो यहाँ पर बोला गया कौन सा करेक्टली मैच नहीं है तो ओडोमीटर जो है ओडोमीटर क्या करता है इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कॉल्ड बाय द मोटर व्हील सही है ओडोमीटर याद रखिएगा गाड़ियों में लगा होता है व्हीकल्स में लगा होता है क्या मेजर करता है कितना डिस्टेंस कोई भी व्हीकल कवर कर रही है उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर होता है ओंडोमीटर क्या मेजर करता है फॉर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रखिएगा ये भी सही है कि जो ओंडोमीटर है वो क्या मेजर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है ओंडोमीटर ऑडियोमीटर क्या मेजर करेगा मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर होता है ये भी याद रखिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर होता है डी ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है एम मीटर दिया गया है इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करता है जो कि गलत है एम मीटर इलेक्ट्रिक पावर को नहीं मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है ठीक है तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में कहा गया विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है नेक्स्ट पे आते हैं द लिक्विड यूज इन सिंपल बैरोमीटर इज तो जो सिंपल बैरोमीटर होता है उसमें जो लिक्विड यूज़ होता है ठीक है आपको बताना है वो लिक्विड कौन सा होगा तो सिंपल बैरोमीटर में जो लिक्विड यूज़ होता है दैट इज़ मरकरी और मरकरी की डेंसिटी याद रखिएगा ये होती है थर्टी सिक्स थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किलोग्राम पर मीटर क्यूब और इसकी स्पेसिफिक या रिलेटिव डेंसिटी की बात अगर करी जाए रिलेटिव डेंसिटी होती है डिवाइड बाई थाउजेंड कर दीजिए थर्टीन इसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है सेवनटीन्थ पे आते हैं डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑप्टेन बाय द यूज़ ऑफ तो देखिए जो डेंसिटी ऑफ मिल्क है कि जो मिल्क है वो कितना डेंस है उसकी डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोमीटर ठीक है तो याद रखिए दिस इज लैक्टोमीटर और लैक्टो जब भी आपको वर्ड मिले तो लैक्टो समझ जाइए दिस इज रिलेटेड टू मिल्क तो लैक्टो वर्ड जो है रिलेटेड है किससे मिल्क से इसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर एटीन में विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर तो एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज हाइग्रोमीटर ठीक है तो हाइग्रोमीटर क्या करता है एयर में जो भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है ह्यूमिडिटी मतलब जो जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारी एयर में उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है दिस इज हाइग्रोमीटर क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं 19 में देखिए कहा गया हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर हाइग्रोमीटर क्या मेजर करेगा ह्यूमिडिटी इन एटमोसफेयर मेजर करेगा ठीक है तो वही सेम क्वेश्चन है दो तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच तो आपको बताना है इनमें से कौन करेक्टली मैच है तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया थर्मो रजिस्टर इज़ इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर बिल्कुल सही है यही आपका जो है ये करेक्टली मैच होगा कि थर्मो रजिस्टर को ही क्या कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर कहा जाता है कैपेसिटर को थर्मोमीटर नहीं कहा जाएगा बीजेटी जो है बाईपोलर जंक्शन ट्राइस्टर इसको रेक्टिफायर नहीं कहा जाता है जंक्शन डायोड को एम्प्टीफायर भी नहीं कहा जाता है तो इसमें क्या सही होगा इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट दैट इज थर्मो रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर क्वेश्चन ट्वेंटी वन पे आते हैं द नेम ऑफ़ इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो बताना है कौन सा इक्विपमेंट होगा ठीक है तो जो यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए आप लोग जानते हो गए बी मशीन कहते हैं उसको और उसका नाम क्या होता है फिगमो मैनोमीटर होता है ठीक है और लो बी जो होता है वो एट्टी एम एम ऑफ एच जी होना चाहिए एट्टी मिलीमीटर ऑफ एच जी इतना होना चाहिए और हाई बी पी नॉर्मल पर्सन का होना चाहिए वन ट्वेंटी एम एम ऑफ मरकरी ठीक है एच जी का मतलब होता है मरकरी नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टू मेजर डिग्री सेल्सियस तो आपको बताना है कौन सा ऐसा यहाँ पर है थर्मोमीटर जिसको हम लोग फिफ्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं तो अभी हम लोग कई क्वेश्चन उससे रिलेटेड देख रहे थे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पायरोमीटर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे आते हैं ट्वेंटी थ्री में कहा गया द टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज तो देखिए कोई भी ऐसा अपरेटस जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है उस अपरेटस को क्या कहा जाता है तो उसको कह जाता है लक्स मीटर ठीक है तो दैट इज कॉल्ड लक्स मीटर लक्स मीटर क्या करेगा लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने में मदद करेगा अब रेडार का मतलब पूछा गया अगले क्वेश्चन में रेडार इज यूज फॉर अब रेडार का मतलब रडार किस चीज़ के लिए यूज हो, होता है तो रेडार का जो यूज है पहला दिया गया है डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग लाइट वेव्स गलत है रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट गलत है डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो देखिए रेडार का मतलब है रेडियो वे यूज करता है और इससे क्या करता है कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता कर लेता है तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर तो याद रखिएगा कौन सी वेव यूज करता है रेडार तो रेडियो वेव यूज़ करता है नेक्स्ट तो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है फॉलोइंग क्वान्टिटीज इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल पर जो क्वांटिटी मेजर करी जाती है वो कौन सी होती है तो अर्थक्विक की इंटेंसिटी मेजर करते हैं किस पे रिक्टर स्केल या रिचर स्केल पे क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स पे आते हैं रिचर् स्केल इज़ यूज फॉर मेजरिंग अब रिचार स्केल किस चीज़ के लिए यूज़ होती है तो एम्पलीट्यूड ऑफ सीजमिक वेव्स को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है या अर्थक्वेक की वेव्स को सीजमिक वेव भी कहते हैं और इसी की इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखते हैं ट्वेंटी सेवन में कहा गया इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन तो इंटेंसिटी जो होती है अर्थक्वेक की कैसे मेजर करी जाती है तो उसको मेजर करने के लिए स्केल होती है रिक्टर स्केल होती है ए ऑप्शन इसका सही है क्वेश्चन ट्वेंटी एट देख लेते हैं विचन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड तो आपको पता ना इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है तो सेल्सियस जो है टेम्परेचर मेजर करता है ठीक है किलो वॉट आर इलेक्ट्रिसिटी ये भी सही है आर एच फैक्टर जो है ब्लड को मेजर करेगा मतलब ब्लड के लिए होता है ये भी आपका सही है रिक्टर स्केल जो है वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है ये गलत है ठीक है रिक्टर स्केल क्या करता है जो अर्थवेक की इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है ठीक है तो देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखते हैं इसमें कहा गया वर द फॉलोइंग इज अ सीज्मो डिवाइस तो सीजमो डिवाइस इसमें से कौन सी है तो क्रेस्कोग्राफ नहीं है सीज्मोग्राफ इसका सही आंसर हो जाएगा सीज्मो मतलब याद रखिएगा इट इज़ रिलेटेड टू अर्थक्वेक तो अर्थक्एक मेजर करने के लिए अर्थक्एक की इंडेंसिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको कहा जाता है सीज्मोग्राफ ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं अच्छा यहाँ पर क्रेस्कोग्राफ की बात करेगी क्रेस्कोग्राफ याद रखिएगा इसका काम क्या होता है तो प्लांट की ग्रोथ को प्लांट ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्रेस्कोग्राफ यूज़ किया जाता है ठीक है दो और दिए गए हैं जीजर काउंटर का काम का क्या होता है तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस को जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस ठीक है इसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है किसको जीजर काउंटर को और रेन गॉज क्या करता है तो कितना रेनफॉल हुआ है किसी भी एरिया में पर्टिकुलर एरिया में कितना रेनफॉल हुआ है उसको मेजर करने के लिए रेन गॉज यूज़ करते हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूछा गया था सीज्मोमीटर डिवाइस कौन सी है तो सीज्मो ग्राफ इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन थर्टी में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं सीजमोग्राफ कहते हैं स्टेथोस्कोप नहीं कहते कॉजमोग्राफ भी नहीं कहते पेरिस्कोप भी नहीं कहते ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन थर्टी वन वट डज अ सीजमोग्राफ रिकॉर्ड तो सीजमोग्राफ क्या रिकॉर्ड करेगा तो सीजमोग्राफ रिकॉर्ड करेगा अर्थ क्वेक को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखेंगे थर्टी टू में कहा गया है फैथोमीटर इज यूज टू मेजर अब देखिए फैथोमीटर एक और डिवाइस है अब इससे क्या मेजर किया जाता है तो जो सी की डेप्थ होती है किसी भी सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए फैथोमीटर यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन थर्टी थ्री विच आफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच तो आपको बताना है इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है नॉट याद रखिएगा कई सारे क्वेश्चनस में नॉट कीजिएगा बच्चे जो सही होता है उसको लगा के चले आते हैं तो मैनोमीटर प्रेशर मेजर करता है बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कार्बोरेटर है कार्बोरेटर इंटरनल कम्बशन इंजन में यूज़ होता है यह भी सही है कार्डियोग्राफ हार्ट के मूवमेंट को मेजर करता है ये ठीक है सीजमोग्राफ जो है सीज्मोमीटर कर्वेचर ऑफ सरफेस को मेजर करता है आपका गलत है सीज्मो जो है वो सीज्मिक वेव्स को मेजर करता है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फोनोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग तो फोनोमीटर क्या मेजर करेगा तो पहला दिया गया है पावर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट ठीक है दूसरा दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीसरा एक्सट्रीमली हाई टेमपरेचर ऐसे ऐसे करके आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें फोनोमीटर के बारे में याद रखिएगा टेस्टिंग द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग तो जो फोर्स होती है ह्यूमन वॉइस की उसको मेजर करने के लिए बोलते समय जो वॉइस निकलती है उसका फोर्स कितना है उसको मेजर करने के लिए फोनोमीटर यूज़ होता है नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द एपराइटस यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई कोई अगर झूठ बोल रहा है तो उसके लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं पॉलीग्राफ और उस टेस्ट को क्या आता है पॉलीग्राफी टेस्ट ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स है question, 36 इसमें देखिए क्या कहा गया कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं और बताया गया है कौन क्या मेजर करता है तो एम मीटर आपको पता होना चाहिए करंट को मेजर करता है हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर क्या मेजर करेगा तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये इसका आंसर सही होगा ठीक है तो यहाँ पर हाइग्रोमीटर मेजर करेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है वेट बैलेंस वेट को मेजर करता है किसी भी पर्सन का वेट या फोर्स जो लग रहा है उसको स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है और बैरोमीटर का काम क्या होता है बैरोमीटर मेजर करता है प्रेशर को ठीक है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो कोड के साथ आप लोग आसानी से मैच कर सकते हैं स्टेथोस्कोप पूछा गया स्टेथोस्कोप क्या करेगा फिर स्पेक्बोमैनोमीटर है फिर कैरेटोमीटर है और लास्ट में है लक्स मीटर तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए हम लोग इस फिग्मो मैनोमीटर पहले देख चुके थे तो ये ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहा था लक्स मीटर क्या करता है तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है कैरेटोमीटर क्या करेगा प्योरिटी ऑफ गोल्ड को मेजर करेगा ठीक है और स्टेथोस्कोप क्या करता है यहाँ पर हार्ट साउंड के मतलब हार्ट बीट को सुनने के लिए ये मदद करता है हार्ट से जो साउंड निकलती है उसको सुनने में मदद करता है स्टेथोस्कोप नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको दो लिस्ट दी गई है वन और टू और बोला गया है कौन किससे मैच करेगा तो अर्थक्वेक को, को मेजर करने के लिए सीजमोग्राफ है हाइट को मेजर करने के लिए अगर पहले इलेक्ट्रिक करंट देख लिया जाए इसके लिए एम मीटर होता है रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है और हाइट किस किससे मेजर किया था ऑल्टी से मेजर कर सकते हैं तो इस तरीके से मैच हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फैथोमीटर बोला गया है सबसे पहले तो फैथोमीटर भी हमने देखा था डेप्थ ऑफ सी को मेजर करने के लिए फैथोमीटर बैरोमीटर से क्या मेजर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होगा हाइग्रोमीटर से एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मेजर करी जाती है और ऑल्टी से हाइट मेजर किया जाएगा तो इस तरीके से मैच हो जाएगा नेक्स्ट में देखिए एक और आपको दिया गया फिर से लिस्ट दी गई है एनिमोमीटर से क्या मेजर किया जाता है तो विंड की स्पीड या विंड की वेलोसिटी मेजर की जाएगी तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सीजमोग्राफ से अर्थ को मेजर किया जाता है बैरोमीटर से एटमोसफेरिक प्रेशर और लास्ट में हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाएगा तो ये हमारे क्वेश्चन थे फोर्टी क्वेश्चन थे सेट टू था इसका जो सेट थ्री होगा उसमें हम लोग मैकेनिक्स जिसमें मास फोर्स एक्सेलरेशन वर्क एनर्जी मोमेंटम और वेलोसिटी के क्वेश्चंस जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके सारे कंपटीशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं तो आज के लिए फिलहाल इतना ही थैंक यू वेरी मच हम लोग की इस प्ले के साथ जुड़े रहिए और चैनल के साथ भी जुड़े रहिए तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं थैंक यू वेरी मच गुड बाय जय हिंद